जब भी कुछ मीठा और चॉकलेटी खाने का मन हो तो बनाइए ये बिस्किट केक, जिसे आप बगैर बेक किए हुए फटाफट से बना सकते हैं। इस बिस्किट केक को बनाना इतना सिंपल है कि बच्चे अगर थोड़े से बड़े हैं तो वो भी इसे बना सकते हैं, और खाने में बहुत ही सॉफ्ट एंड माउथ वाटरिंग है। चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। मैं आपके लिए हमेशा नई नई रेसिपीज लेकर आती हूँ, और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले चॉकलेट का मिक्सचर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम मेल्टेड बटर। आप चाहें तो यहाँ पे घर की मलाई का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बटर से टेस्ट अच्छा आता है। और अब इस बटर में हम डालते हैं 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर भी डाल देते हैं। कोको पाउडर अनस्वीटेंड है, मीठा नहीं है, और चॉकलेट पाउडर मीठा होता है। साथ में इसमें हम डालते हैं 2 से 3 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल चीनी को ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है, और साथ ही में इसमें हम डालते हैं वनीला एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमको बिल्कुल थिक मिक्सचर बना के रेडी करना है। तो इस चॉकलेट मिक्सचर को बनाना बहुत ईजी है, फटाफट से बन जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। हमें इसी तरीके से थिक चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम कॉफ़ी का मिक्सचर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 100 ml दूध, और अब इसमें हम डालते हैं 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, या टेस्ट अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं। साथ ही में इसमें हम डालते हैं 1/2 टीस्पून कॉफ़ी, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कॉफ़ी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी ऐड किया है। तो ये बिस्किट को सोक करने के लिए दूध रेडी हो गया है, और अब हम लेते हैं मैरीगोल्ड बिस्किट। तो यहाँ पे मैंने 15-20 pieces मैरीगोल्ड बिस्किट के लिए हैं, और अब हम लेते हैं 1 बिस्किट और इसे हम दूध में सोक करेंगे। तो इस तरीके से 1 बिस्किट को सोक करेंगे, बहुत ज़्यादा देर हमें डिप नहीं करना है, नहीं तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और हल्का डिप करने के बाद इसे हम रखते हैं प्लेट में, और फिर इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं ये चॉकलेट मिक्सचर। तो बिल्कुल इवनली स्प्रेड करना है, और यहाँ पे मैंने प्लेट को फॉइल रैप से कवर कर दिया है, ताकि बनने के बाद जो बिस्किट है वो स्टिक नहीं होगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से चॉकलेट का लेयर स्प्रेड कर लिया है। और अब हम फिर से लेते हैं 1 मैरीगोल्ड बिस्किट, इसे हम दूध में इस तरीके से सोक करेंगे, और सोक हुई बिस्किट को अब हम चॉकलेट मिक्सचर के ऊपर लगाते हैं, और फिर से इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं चॉकलेट का मिक्सचर। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सभी बिस्किट को अरेंज कर लिया है, और अब इसे हम चॉकलेट से कोट करते हैं। तो बिस्किट को कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है डार्क कंपाउंड, और ये मैंने अप्रॉक्स 50-60 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया है। इसे अब हम मेल्ट कर लेते हैं। आप इसे डबल बॉयलर से या फिर माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो देखिए चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है, और अगर इसमें लम्स हैं तो आप फिर से इसे मेल्ट कर सकते हैं। और इसी समय इसमें हम डालते हैं ऑयल। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं, आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल डालकर फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये काफ़ी फ्लोई हो जाएगा। तो हमें चॉकलेट इसी तरीके से फ्लोई चाहिए। तो ये हमारा चॉकलेट का मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब हम कोटेड बिस्किट के ऊपर डालते हैं चॉकलेट का मिक्सचर। इस तरीके से बिल्कुल जेंटली चारों ओर स्प्रेड करेंगे, ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। तो ये देखिए इसे मैंने चारों ओर से चॉकलेट से कवर कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट ड्रिप हुई थी इसे मैंने निकाल लिया है। और अब हम ऊपर से डालते हैं डेकोरेशन के लिए थोड़े से गोल्डन बॉल्स। तो डेकोरेशन आप यहाँ पे कैसे भी कर सकते हैं। और अब इसे हम फ्रिज में 1 घंटे सेट होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है, इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे चॉकलेट गिरा हुआ है ना, पिज्जा कटर या फिर नाइफ से कट कर लेते हैं। और अब इसे हम बिल्कुल जेंटली फॉइल पेपर से हटाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फॉइल पेपर से निकल गया है, और अब इसे हम रखते हैं प्लेट में, और चलिए अब इसे हम कट करेंगे। तो इस तरीके से हम बीच से हाफ कट करते हैं, और ये इतना सॉफ्ट है कि बहुत ही अच्छे से कट हो जाएगा, अच्छे से सेट हो चुका है। और ये देखिए कितने अच्छे लेयर्स बनकर आए हैं। तो बन गया है बहुत ही सॉफ्ट चॉकलेटी क्रीमी नो बेक बिस्किट केक, जिसे आप घर में जरूर ट्राई कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।